स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम साइंस के लेसन प्लान को लेकर के, यानी ये आपका गृह विज्ञान का लेसन प्लान है जो कि आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर और साथ ही अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने मधुमेह, संक्रामक रोग और संतुलित आहार से संबंधित टॉपिक को लेकर के पाठ योजना तैयार की थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुपोषण को लेकर के, जो कि गृह विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों ये आप कक्षा 8, 9 और 10 ये तीनों कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये टॉपिक चूज किया है मैंने, ठीक है। तो आप उसके लिए इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना संख्या 3 डालेंगे, अपने हिसाब से आप पाठ योजना संख्या डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम जो रहेगा वो है विद्यालय का नाम। विद्यालय, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी यहाँ पर उस विद्यालय का नाम रहेगा। उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें डेट डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट, कक्षा 8 या 9 या 10, ठीक है। इन तीनों कक्षाओं में किसी भी कक्षा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कुपोषण ऐसा चैप्टर है जो कक्षा 8 में भी है, कक्षा 9 और 10 में भी है, ठीक है। तो कक्षा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप 9 भी डाल दीजिए चलेगा। विषय है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। उसके बाद जो चौथा कॉलम रहेगा वो चक्र यानी पीरियड का रहेगा। पीरियड अपने हिसाब से डाल सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उसके बाद अवधि यानी टाइम पीरियड है, 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ये भी अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पहला पॉइंट इसमें आएगा वो है प्रकरण, टॉपिक क्या है, क्या ले रहे हैं उसे आप यहाँ डालेंगे। तो आज का टॉपिक है कुपोषण, यानी कुपोषण ही आपका प्रकरण है आज का, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य दोस्तों विषय से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ हमारा विषय गृह विज्ञान है, तो हम सामान्य जानकारियां जो है छात्राओं को गृह विज्ञान से देंगे। इसमें पहला पॉइंट है छात्राओं को गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को पोषक तत्वों की सामान्य जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करना। इसी तरह चौथा पॉइंट है दैनिक जीवन में ग्रहण करने वाले भोजन का महत्व बताना, ठीक है। पांचवा पॉइंट है संतुलित आहार की विशेषताएं बताना। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सामान्य उद्देश्य को लेकर के, जो कि विषय से संबंधित थे। आगे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पाठ से संबंधित यानी आपके टॉपिक से संबंधित होती है, जो भी आप प्रकरण लिए हैं, जैसे यहाँ कुपोषण आपने टॉपिक लिया है तो उसी से संबंधित आपका विशिष्ट उद्देश्य आएगा। इसमें पहला है छात्राएं कुपोषण के विषय में जान सकेंगी तथा उन्हें परिभाषित कर सकेंगी। दूसरा पॉइंट है छात्राएं कुपोषण के कारणों का पता लगा सकेंगी। तीसरा पॉइंट है छात्राएं कुपोषण के विषय में हुए संश्लेषण को जान सकेंगी, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में आगे कुछ पॉइंट और देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में चौथा पॉइंट है छात्राएं कुपोषण रोग का उचित विश्लेषण कर सकेंगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट है छात्राएं कुपोषण का निदानात्मक वर्णन कर सकेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के, जो कि पाठ से संबंधित थे। आगे देखेंगे अगली जो हेडिंग आएगी वो है सहायक सामग्री, जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री, आप ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा आपने जो जो चीजें कक्षा में थी उनका उपयोग किया, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया यानी शामपट, चौक, डस्टर, ठीक है। साथ ही आप अगर कोई चार्ट या मॉडल भी पार्ट से संबंधित यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज। छात्राओं को पहले से कितना क्या कुछ पता है, छात्राएं कुछ सामान्य रोगों तथा पोषक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये था छात्राओं का पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज, इसके बारे में छात्राओं को पहले से थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न निकलवा सके छात्राओं से, ये पता लगा सके उन्हें पहले से क्या कुछ जानकारी है, उन्हें क्या कुछ पता है, इसलिए हम इसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका कथन, तीसरा है छात्रा कथन। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे छात्राओं से। आपने पहला प्रश्न किया स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, छात्राओं ने बताया स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आदि चीजें आवश्यक है, ठीक है। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया संतुलित भोजन क्या है, छात्राओं ने बताया ऐसा आहार जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व सम्मिलित हो, ठीक है,
ये संतुलित भोजन कहलाता है। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन किया, पोषक तत्व या पोषण तत्व क्या या कौन कौन से हैं? छात्राओं ने बताया प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि जो है पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, फिर आपने चौथा प्रश्न किया, फिर चौथा प्रश्न आपने किया इन तत्वों यानी पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाता है। छात्राओं को इसका उत्तर नहीं पता, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हुआ। यहाँ छात्राएं मौन हो गई, और जब समस्यात्मक प्रश्न आएगा तभी आपका उद्देश्य कथन होगा। ठीक है, जब तक कि समस्या उत्पन्न नहीं होगी तब तक उद्देश्य कथन नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं उद्देश्य कथन में क्या है। उद्देश्य कथन में आपने डाला, बच्चों आज हम कुपोषण, ये देखिए आपके टॉपिक पे आ गया सीधा आपका उद्देश्य कथन, हमेशा टॉपिक से ही रिलेटेड आएगा आपका उद्देश्य कथन। तो इसमें आप लिखेंगे, बच्चों आज हम कुपोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो है प्रस्तुतीकरण प्रश्न। प्रस्तुतीकरण में भी आप जो भी आपका टॉपिक है उसको लेकर चलेंगे, और इसमें भी प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, इसमें एक तरफ छात्राध्यापिका होंगी, दूसरी तरफ छात्र क्रिया होगी। तो इसके लिए आप सीधे सीधे पांच कॉलम बनाएंगे, सबसे पहला क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा है छात्रा क्रिया, पांचवा है शिक्षण विधि या प्रविधि, पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले आपने शिक्षण बिंदु एक लिया है कुपोषण, इसका आप परिचय दे रहे हैं। इसके लिए आपने प्रश्न किया, जब आहार का संतुलन बिगड़ जाता है तो ऐसे आहार को क्या कहते हैं? छात्राओं ने उत्तर दिया असंतुलित आहार। ठीक है, यहाँ पर भी पाठ से संबंधित आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्राएं उत्तर दे रही, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर या प्रश्नीकरण विधि हो गई। फिर दूसरा प्रश्न आपने किया, असंतुलित आहार से क्या होता है? तो यहाँ पर छात्राएं सोचते हुए मौन हो गई। जब छात्राएं सोचने लगे या मौन हो जाए तब आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे, जब आहार में पौष्टिक तत्वों का संतुलन नहीं रहता है, पौष्टिक तत्वों की कमी या पौष्टिक तत्व आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तब कुपोषण हो जाता है। आप परिभाषा भी दे देंगे कुपोषण की। कुपोषण वह असामान्य स्थिति है जो एक या एक से अधिक तत्वों के अभाव या आधिक्य से उत्पन्न होती है। तो ये था कुपोषण। जब आप स्पष्टीकरण दे रहे होंगे तब इसी चीज को छात्राएं जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगी। आपने पाठ से संबंधित व्याख्या की या स्पष्टीकरण दिया, इसीलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हुई। श्यामपट्ट कार्य में आप ऐसे ही पोषक तत्वों से संबंधित एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आपने पोषक तत्व डाला, कमी और आधिक्य दोनों का मिश्रण कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये था पोषक तत्वों की कमी आधिक्य का कुपोषण चार्ट। ठीक है, छोटा सा बना के आप दिखाएंगे। आगे देखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु, फिर आगे ही इसी में दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? कुपोषण का कारण या कुपोषण के कारण। ठीक है, छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा। इसमें आपने प्रश्न किया, कुपोषण के कारण बताइए। छात्राएं सोचते हुए फिर मौन। ठीक है, जब वो सोचने लगेंगी तब आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हुई। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे, भारत में कुपोषण के कई कारण हैं, जैसे पहला है गरीबी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है भोजन की अपर्याप्त पूर्ति, चौथा अज्ञानता आदि, पांचवा है जनसंख्या वृद्धि, छठा है बेरोजगारी, सातवां है भोज्य पदार्थों में मिलावट, आठवां पसंद नापसंद आदि। ये सभी कारण है कुपोषण के। ठीक है, इसी चीज को छात्राएं जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ भी आपने पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण दिया या व्याख्या दी, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हुई। आगे देखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु कुपोषण से होने वाले रोग का निवारण, ये आपका शिक्षण बिंदु का तीसरा पॉइंट है। दो के बारे में हमने बात कर ली है। इसमें आप प्रश्न करेंगे, ये छात्राध्यापिका क्रिया है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, लाइन से ही पूरा है। इसमें आपने प्रश्न किया, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? छात्राओं ने बताया, ये छात्र अनुक्रिया है। इसमें छात्राओं ने बताया रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, घेंघा रोग, पेलेग्रा आदि जो रोग हो जाते हैं वो बताएंगे विटामिन की कमी से। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, इन कुपोषण से होने वाले रोग का निवारण बताइए। यहाँ पर छात्राओं के लिए समस्यात्मक प्रश्न हुआ, छात्राएं मौन हो गई। तब आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। आपने स्पष्टीकरण दिया, पहला पॉइंट आपने लिया, भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। ठीक है, दूसरा है रोज एक कटोरी बीन्स व फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें, तीसरा है भरपूर नींद लें, साथ ही हरी साग सब्जियों का सेवन करें, चौथा है दूध तथा धूप यानी दूध जो होता है वो भी आवश्यक है,
न्यूट्रिशन के लिए और धूप भी आवश्यक है, तो इनका भी भरपूर मात्रा में सेवन होना चाहिए। इसी स्पष्टीकरण को छात्राएं जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ भी पाठ से संबंधित आपने व्याख्या की या स्पष्टीकरण दिया, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। और श्यामपट कार्य के लिए आप बिल्कुल ऐसे कुपोषण का निवारण ऐसे डाल देंगे, छोटा सा डायग्राम बना देंगे, पर्याप्त भोजन, धूप, हरी साग सब्जियाँ, ठीक है, ये जो चीजें इंक्लूड है आप बिल्कुल ये श्यामपट कार्य के लिए ऐसे ही बना देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये प्रस्तुतिकरण प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे दे लेते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न आपकी छात्राओं को जांचने के लिए कि कितना कुछ ये जो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ाई हैं ये समझ में आया उन्हें, इसीलिए हम उन्हें बोधात्मक प्रश्न देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बोधात्मक प्रश्न में क्या कुछ प्रश्न है। फिर अगली हेडिंग जो आप डालेंगे वो है बोधात्मक प्रश्न। इसमें भी आप 4-5 क्वेश्चन दे देंगे। पहला प्रश्न जैसे आपने दिया, असंतुलित भोजन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपने दिया, कुपोषण क्यों हो जाता है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देंगे, कुपोषण का कारण बताइए। चौथा प्रश्न दिया, संतुलित भोजन क्या है। ठीक है, तो ये था बोधात्मक प्रश्न। इसके द्वारा आप जांचेंगे बच्चों को कितना कुछ समझ में आया जो आपने पाठ को पढ़ाया था। इसके बाद जो अगली हेडिंग डालेंगे आप वो है ब्लैक बोर्ड वर्क यानी श्यामपट कार्य। इसमें आप श्यामपट पे जो भी चीजें डालेंगे यहाँ पर, वो छोटा सा ब्लैक चार्ट पेपर काट लीजिएगा, उस पर व्हाइट पेंसिल से या व्हाइट स्पार्कल से आप लिख दीजिएगा। जैसे आप डेट डाल देंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट। विषय सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, प्रकरण यानी टॉपिक है कुपोषण। कक्षा 8, 9, 10, इन तीनों कक्षाओं में किसी भी कक्षा को आप लिख सकते हैं। यहाँ कक्षा 9 पड़ा है तो आप कक्षा 9 ही डाल दीजिए। ठीक है, चक्र यानी पीरियड, तीसरा, दूसरा, पहला, जो भी वो डाल दीजिए। यहाँ पर तीसरा पड़ा इसलिए आप तीसरा भी डाल सकते हैं। अवधि, टाइम पीरियड है 30, 35 मिनट, 40, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अदरवाइज 35 मिनट ही लिखिए, काफ़ी है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपने दिए, कुपोषण की परिभाषा लिखिए। उत्तर में आपने लिखा, कुपोषण वह असामान्य स्थिति है जो एक या एक से अधिक तत्वों के अभाव या अधिक से उत्पन्न होती है। जो भी चीज़ें आपने कुपोषण के लिए बताई थी यहाँ पर वो लिखिएगा। दूसरा, क्या सूखा रोग एक कुपोषण है, ये दूसरा प्रश्न है, तो उत्तर में हाँ। ठीक है, तो ये था दोस्तों श्यामपट कार्य, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। आगे देखेंगे जो अगली हेडिंग होगी वो है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखिएगा, जब छात्राध्यापिका श्यामपट कार्य देंगी तब छात्राएं इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगी, तथा छात्राध्यापिका जो होंगी वो कक्षा का निरीक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार जो है सहायता प्रदान करेंगी। तो दोस्तों ये था निरीक्षण कार्य। अगली हेडिंग जो पड़ेगी वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी पाठ को दोहराने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अभ्यास करवाते हैं पाठ का दोबारा, उसे ही पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। इसमें आपने प्रश्न दिया, सही गलत पर निशान लगाइए। इसमें आपने पहला प्रश्न दिया, पोषक तत्वों की कमी से भोजन संतुलित होता है। इसमें टिक लगाने के लिए आप बताएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कुपोषण विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सही गलत में निशान के लिए आपने पुनरावृत्ति कार्य में दिया था। उसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी वो होमवर्क यानी गृह कार्य, जो घर के लिए बच्चों को करने को देंगे। इसमें आपने पहला क्वेश्चन दिया, कुपोषण के क्या कारण है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया, कुपोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों ये था गृह कार्य, जिसे आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबकी डिमांड पर ही मैंने ये लेसन प्लान खुद तैयार किया है, तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक ही सबसे पहले पहुँचे। और प्लीज आप सभी वीडियो लाइक कर दिया करें, और अगर कुछ भी समस्या होती है, कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, वहाँ पर आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी अगले टॉपिक में भी आपको पाठ योजना ही मिलेगी जो कि गृह विज्ञान से संबंधित होगी। और अगर इसके अलावा आपको किसी और भी सब्जेक्ट का पाठ योजना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर।